Hello students, today we are going to start on the next topic of unit solution, osmotic pressure. You know very well, osmotic pressure is a colligative property. But before discussing osmotic pressure, we will discuss about the osmosis. Okay, so let's start osmosis. Okay, osmosis, listen carefully. Okay, देखिए बच्चों, आपके घर में बहुत सारी वेजिटेबल्स आती होंगी, ठीक है ना? और आप देखते होंगे कि अगर वेजिटेबल दो दिन तीन दिन पुरानी हो गई है, पहले की है, तो जो है थोड़ी सी कैसी हो जाती है, विल्टेड हो जाती है ना, ढीली हो जाती है, उसमें जो टाइटनेस है वो सब खत्म हो जाती है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उससे वाटर का लॉस हो जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, रिवाइव कराते हैं। और रिवाइव कराने के लिए आपने देखा होगा आपके घर में आपकी मदर्स ऐसी वेजिटेबल्स को काटने से पहले उसे पानी में डुबो करके रखती हैं। जब वो आधे घंटे तक पानी में डुबो देती हैं, तो वो सब्जियां फिर से टाइट हो जाती हैं, रिवाइव हो जाती हैं, और उनको काटना आसान हो जाता है, उनका पील आउट करना आसान हो जाता है, मतलब उनको छीलना आसान हो जाता है, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? ऐसे ही आप देखिए, आपके पास अगर फ्लावर्स की जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, अगर वो जो है विल्टेड हो गए हैं और आपको रिवाइव करना है, तो आप उनको पानी में डाल देते हो, वो फिर से रिवाइव हो जाती हैं। कुछ और एक्टिविटी भी आप घर में करके देख सकते हो, जैसे आप रेजिन ले लीजिए, जो किशमिश होती है ना, अगर आप उसको पानी में भिगो करके रख देंगे, तो आप देखेंगे कि वो स्वेल कर जाएगी, ठीक है ना? इसी तरह से अगर स्वेल्ड रेजिन है और आप उसको सैलाइन वाटर में रख दीजिए, मींस सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाकर उसमें डिप करा के रख दीजिए, आप देखेंगे वो जो स्वेल्ड रेजिन है वो फिर से आपकी कैसी हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, फिर से सिकुड़ जाएगी, ठीक है ना? ऐसे ही एक और एग्जांपल है आपका आरबीसी का, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, अगर उनको सोडियम क्लोराइड के 0.9% मास बाय वॉल्यूम का सॉल्यूशन बना करके अगर उसमें हम आरबीसी को रखेंगे, तो आरबीसी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना? लेकिन अगर 0.9% मास बाय वॉल्यूम से कम कंसंट्रेशन का अगर हम सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन बना करके उसमें आरबीसी को डालेंगे, तो आरबीसी स्वेल कर जाती है ना? और अगर 0.9% से ज्यादा कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना दें हम मास बाय वॉल्यूम का, उसमें आरबीसी को हम डालेंगे, तो आरबीसी श्रिंक कर जाती है, समझ रहे हैं? तो यहां पर कौन सा फेनोमेना हो रहा है? यहां पर फेनोमेना हो रहा है कि जो सॉल्वेंट है वो या तो इंटर करता है इनसाइड द ऑब्जेक्ट, या फिर वो ऑब्जेक्ट से क्या होता है, बाहर निकलता है। कब? जब वो दूसरे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पर एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि जो ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं, जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक मेम्ब्रेन का रोल होता है। आई बात समझ में? वो उसी मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट या तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर इंटर करेगा, या उसी मेम्ब्रेन से ऑब्जेक्ट के अंदर का जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, वो बाहर आएगा। बात समझ में आ रही? तो यहां पर एक मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है, इसको कहते हैं बच्चों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना? शॉर्ट में इसको SPM भी कहते हैं, सेमी परमेबल परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, इसकी एक बहुत खास बात होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो स्मॉल साइज के पार्टिकल हैं, मींस जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, उनको तो आर पार आना जाना अलाउ करती है,
लेकिन ये सॉल्यूट के पार्टिकल को अलाउ नहीं करती आर पार होना, ठीक है ना। मीन्स सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज लार्जर होता है उनको ये पास नहीं करा पाती है, लेकिन सॉल्वेंट के पार्टिकल को ये पास करा देती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अच्छा, तो अब जो हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, मान लीजिए हमने यहां पर एक लेडी फिंगर ले लिया जो है, ये लेडी फिंगर है और ये आपकी कैसी है, विल्टेड है ये, ठीक है ना, कैसी है, विल्टेड है, ठीक है ना। और इसको आपने वाटर में भिगो करके रख दिया है, जब वाटर में भिगो करके रख दिया तो ये क्या हो गई, फिर से रिवाइव हो गई, बिल्कुल ऐसा लगने लगा जैसे ताजी हो गई है ये, ठीक है ना। तो उसका रीजन क्या हुआ कि इसकी जो ये आउटर लेयर है यहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और ये जो वाटर है वो इसके अंदर इंटर कर गया, वाटर का अमाउंट उस वेजिटेबल के अंदर ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो कैसी हो गई, स्ट्रेट हो गई, इरेक्ट हो गई, स्ट्रेंथन हो गई और कहते हैं रिवाइव हो गई। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना। तो किसका रोल हो रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। इसी तरह से जैसे हमने रेजिन का एग्जांपल लिया, आपने बीकर में वाटर लिया और इसमें आपने जो है रेजिन को डाल दिया, किसको डाल दिया आपने, रेजिन को, ठीक है ना, मीन्स किसमें इसको डाल दिया, और आपने देखा एक घंटे के बाद जब आपने उस पर ध्यान दिया तो वो जो रेजिन है वो आपकी बिल्कुल कैसी हो गई, स्वेल कर गई, ठीक है ना, वो स्वेल कर गई, ठीक है। क्यों स्वेल कर गई, ये जो वाटर जिसमें ये डिप हुई है, वाटर जो बीकर में भरा हुआ है ये वाटर इसके अंदर इंटर कर गया, ठीक है ना। तो ये जो सॉल्वेंट इसके अंदर इंटर कर जाता है, किस प्रोसेस से इंटर करता है, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन ये ऑस्मोसिस प्रोसेस किसके थ्रू हो रहा है, यहां पर भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसमें वाटर की एंट्री हो रही है। अगर हम यहां पर क्या करें, जो ये सॉइल की हुई है, इस सॉइल की हुई रेजिन को अगर हम सैलाइन वाटर में डाल दें, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल दें, तो सॉल्यूशन में डालने पर ये फिर से क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी और इसी तरह की हो जाएगी, बिल्कुल सिकुड़ी हुई, जैसे आप किशमिश देखते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो हम ऑस्मोसिस को थोड़ा सा और एनहांस करके समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिएगा जरा ध्यान से, हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है ना। इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, दो कंटेनर लिए, ये दो कंटेनर हैं, ठीक है। इन दोनों कंटेनर को एक जो है पाइप के थ्रू हमने यहां पर जोड़ रखा है और इसके बीचों बीच हमने क्या किया हुआ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी है। ये क्या लगी हुई है यहां पर, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है ना। अब यहां पर हमने क्या किया, एक तरफ हमने सॉल्यूशन भर दिया और एक तरफ हमने सॉल्वेंट को भर दिया। ये हमने क्या भर दिया, मान लीजिए हमने इधर जो है ये सॉल्यूशन भर दिया है, ये सॉल्यूशन किसी का भी हो सकता है, ग्लूकोज का, सोडियम क्लोराइड का, यूरिया का, किसी का भी आप एक बार सॉल्यूशन बना के भर सकते हैं। इस तरफ हमने सिर्फ वाटर भर दिया है, अब आपको क्या करना है, इसे आपको लगभग 30 मिनट के लिए या एक घंटे के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, अलाउ टू स्टैंड फ्री, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आपको इसे छोड़ देना है। अब जब आप छोड़ने वाले हैं तो यहां पर आपने एक निशान लगा लिया, इसमें भी निशान लगा लिया कि सॉल्यूशन का जो लेवल है वो यहां पर है और जो इधर सॉल्वेंट का जो लेवल है वो यहां पर है, ठीक है ना।
एक घंटे के बाद या 30 मिनट के बाद आकर के आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे जो सॉल्वेंट का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, उसका लेवल कुछ आपको यहां पर मिल रहा है, ठीक है ना, जबकि जो सॉल्यूशन का लेवल है वो कुछ इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो यहां से एंट्री करके और सॉल्यूशन साइड में एंटर कर गए हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, सॉल्यूशन साइड में एंटर कर गए हैं। अब आप दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, क्या कर सकते, क्या, क्या क्या करना है आपको, दोनों तरफ आपने सॉल्यूशन दे रखा है, इधर भी सॉल्यूशन इधर भी सॉल्यूशन ले रखा है, दोनों ग्लूकोज के सॉल्यूशन आपने बना रखे हैं, इधर भी ग्लूकोज का सॉल्यूशन है इधर भी ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ठीक है ना, लेकिन यहां पर हमने जो सॉल्यूशन रखा हुआ है वो 1 mg 1 molarity का सॉल्यूशन रखा हुआ है, जबकि इधर हमने क्या किया 1.5 molarity का सॉल्यूशन ले लिया। अब आप देखेंगे जब एक घंटे के बाद आप इसको चेक करेंगे तो पहले यहां पर इसका लेवल था ना और इसका लेवल यहां पर था इस जगह पर, ठीक है ना, अब एक घंटे के बाद आप चेक करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि इधर का जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया है और वो लेवल इंक्रीज होकर के यहां आ गया, जबकि इधर का लेवल क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया है और डिक्रीज होकर के यहां आ गया। मींस क्या हुआ, सॉल्वेंट पार्टिकल का अब जो मूवमेंट है वो क्या हो गया, इस साइड से इस साइड की तरफ मूवमेंट हो गया, ठीक है ना, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने ये अरेंजमेंट लगा करके रखा हुआ है और आपने जब एक घंटे के बाद चेक किया तो आप देख रहे हैं दोनों सॉल्यूशन के लेवल जो अपनी जगह पर थे वो वहां नहीं है। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है उसका लेवल बढ़ जाता है, जिसका कंसंट्रेशन कम है उसका लेवल घट जाता है, क्यों, यहां पर सॉल्वेंट के पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। तो जो ऑस्मोसिस है उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से लोअर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के सॉल्वेंट का हायर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट हो जाना ही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है ना। यहां पर जो ऑस्मोसिस होती है तब तक ऑस्मोसिस होती रहेगी जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए, या आप ये कहिए कि जब तक, जैसे यहां पर क्या हो रहा है, सॉल्यूशन इधर सॉल्वेंट इधर से इधर की तरफ जा रहा है तो सॉल्वेंट घट रहा है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन घट रहा है, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल इधर के इधर ही हैं, वो उधर नहीं जा रहे हैं, तो इधर का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जबकि इधर का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। जब इधर का कंसंट्रेशन घटते घटते और इधर का कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते इधर का कंसंट्रेशन घटते घटते दोनों सेम हो जाएंगे तो उस समय ऑस्मोसिस प्रोसेस आपका क्या होगा, रुक जाएगा, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, फिर इधर से जितना वाटर उधर जाएगा उधर से उतना ही वाटर इधर आएगा, दोनों के लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर आपको समझना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहां पर दूसरी एक एक्टिविटी को बना लेते हैं, उसके थ्रू हम इसको समझते हैं, कुछ इसी तरह का हम फिगर ड्रॉ करेंगे, देखिए जरा, ये हमने
दो कंटेनर को लेकर के और एक दूसरे से कनेक्टेड कर दिया है थ्रू ग्लास ट्यूब, और यहां पर हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज कर दी है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, SPM, ठीक है ना। अब हमने क्या किया हुआ है, यहां पर हमने एक और ट्यूब लगा रखी है, पतली सी ट्यूब लगा रखी है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। और अब हमने क्या किया, इधर हमने जो है सॉल्वेंट को भर दिया, यहां पर सॉल्वेंट यहां तक भरा हुआ है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझते रहिएगा, बहुत इजी टॉपिक है ना। ये हमने जब सॉल्वेंट यहां भरा तो सॉल्वेंट ऑब्वियसली यहां भी क्या होगा, भरा होगा, और ये हमने भर दिया और बिल्कुल इसी के सेम लेवल पे आ गया। तो ये यहां पर इसका लेवल हो गया। यहां पर आपने जो है इसमें मीजरमेंट स्केल होता है, तो आपने यहां पर जो है हाइट नोट कर ली। मान लीजिए ये हाइट जो है इस समय कितनी है, 15.6 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, ये आपने रीडिंग यहां पर नोट कर ली है, ठीक है ना। इधर की तरफ आपने क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन को भरा हुआ है आपने, ठीक है स्टूडेंट। इधर आपने सॉल्यूशन भरा हुआ है, अब आप जो है इसको क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं ऑस्मोसिस होने के लिए, ठीक है ना। 30 मिनट के बाद आपने जब चेक किया तो आपको पता है इस तरफ क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट में भी आपको सबसे इजी सॉल्वेंट कौन सा लगता है, आपने वाटर ले लिया है। इस तरफ आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है, सॉल्यूशन में भी मान लीजिए आपने ग्लूकोज का 1 mL सॉल्यूशन ले रखा है, 1 मोलारिटी का। 30 मिनट के बाद आप चेक कर रहे हैं तो इसका जो लेवल है वो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, क्योंकि वाटर का मूवमेंट इस तरफ से सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है, बिकॉज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होगा। सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट पार्टिकल है नहीं, तो इधर का कंसंट्रेशन एक तरह से क्या है, जीरो है, ठीक है ना। इधर कंसंट्रेशन है, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जो है फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड होगा। अब आपने जब 30 मिनट के बाद चेक किया तो आपने पाया कि जो पहले इसकी हाइट 15.6 सेंटीमीटर थी, अब वो रिड्यूस होकर के कितनी हो गई है, 15.2 सेंटीमीटर हो गई। मीन्स 0.4 सेंटीमीटर का उसमें लेवल में क्या हो गया, डिक्रीज आ गया, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, इस सॉल्यूशन साइड में आपने एक पिस्टन लगा दिया, सॉल्यूशन साइड में आपने क्या किया, एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है ना। और इस पिस्टन से आपने क्या किया, इसमें इतना मिनिमम प्रेशर अप्लाई करिए कि उस प्रेशर से क्या हो जाए, ये जो 0.4 सेंटीमीटर का इसमें डिक्रीज आया हुआ है इसके लेवल में, वो फिर से क्या हो जाए, अपने वापस 15.6 सेंटीमीटर के लेवल पर सॉल्वेंट का लेवल आ जाए, ठीक है ना। तो यहां से आप जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे, वो जो मिनिमम प्रेशर यहां से आप अप्लाई करेंगे कि जो वाटर का लेवल है वो स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर आ जाए, तो दैट मिनिमम प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। बात समझ में आ गई, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, यहीं पर जो है प्रेशर को मेजर करने वाली जो वॉच होती है, बैरोमीटर है, उसको यूज कर लेते हैं।
और जितना प्रेशर अप्लाई होता है वो उसको मेजर कर लेता है और आपको रीडिंग में बता देता है कि इतना प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज करते हैं तो 100% जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो आपका जो है डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होगा। कंसंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी, यहां पर कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है, मोलैरिटी से है, ठीक है ना। आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाएंगे आप यहां पर तो इक्वल टू सी आर टी, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि चूंकि हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये जो कंसंट्रेशन है ये क्या है, मोलैरिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। और मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। आप चाहें तो सी की जगह यहां पर एन अपॉन वी की को पुट कर सकते हैं, तो पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी भी लिख सकते हैं, और वी को इधर ले आएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। एक तरीके से आइडियल जो गैस की इक्वेशन होती है वो आपको मिल जाएगी पाई वी, वहां पर क्या होता है पीवी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, यहां पर क्या हो गया पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है ना। यहां पर पाई क्या है, वेयर पाई ये क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। जो वी है ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसमें लीटर में लेना है आपको। इसी तरह से आर क्या है, ये गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.0821, ठीक है ना, इसमें 0.0821 एटमॉस्फेरिक लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना, पर मोल पर केल्विन। इसी तरह से टी क्या है, यहां पर टी आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है ना। और जो सी है आपको पता है सी क्या है, यहां पर सी है मोलैरिटी, सी मोलैरिटी है, ठीक है ना। अब आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी आपको पता है, अगर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को हम एन टू मान लें तो उसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, वो डब्ल्यू टू हो जाएगा, और उसका जो मोलर मास होगा वो क्या होगा, एम टू हो जाएगा। तो आप चाहें तो यहां पर एन टू की जगह डब्ल्यू टू अपॉन एम टू भी रख सकते हैं। तो जो फार्मूला आपको मिला है पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसकी जगह पर आप लिख सकते हो पाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू आर टी, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का भी आप यूज कर सकते हो। बच्चों बात समझ में आ रही है आपको, बोलिए, आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक मिनट में जल्दी से इसका रिवीजन करा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो आपको ऑस्मोसिस समझना है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब जब आप ऑस्मोसिस कराते हैं तो उसमें जो सॉल्वेंट साइड का जो लेवल है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, सॉल्यूशन साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा, और आपको क्या करना है, सॉल्यूशन साइड पर इतना मिनिमम प्रेशर अप्लाई करना है कि जो लेवल ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज हुआ था वो वापस अपने उसी लेवल पर आ जाए। तो उस समय जितना प्रेशर आपने अप्लाई किया उसके लेवल को अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे लाने के लिए, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर।
ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है ना। तो हमने जब इसको यूज किया तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी एंड टेम्परेचर, पाई इज इक्वल टू, हमने यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट आर को यूज कर लिया तो क्या हो गया सी आर टी, पाई इज इक्वल टू, सी की जगह हमने क्या यूज कर लिया, बिकॉज सी मोलैरिटी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर एन अपॉन वी आर टी, वी को हमने पाई की तरफ शिफ्ट कर दिया तो पाई वी इज इक्वल टू क्या हो गया एन आर टी हो गया, ठीक है ना। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, जिसको हम जनरली एन टू यूज करते हैं, तो आप पाई वी इज इक्वल टू एन टू आर टी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एन टू की जो वैल्यू होगी वो डब्ल्यू टू अपॉन एम टू, डब्ल्यू टू क्या है यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट हो गया और एम टू क्या हो गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं, पाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू आर टी, यहाँ पर पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर है, वी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर है, आर गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर इन केल्विन है, ठीक है ना। तो उम्मीद है बच्चों आपको पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है, ओके, थैंक यू।